आज जिस चमत्कारी टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है लेज़र। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर लेज़र सच में चमत्कारी है भी या नहीं। लेट्स वेलकम आवर एक्सपर्ट ऑफ द डे, दैट इज़ डॉक्टर विजय शर्मा। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर दिव्या, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, लेज़र्स, आखिर ये लेज़र है क्या चीज़? दिव्या जी, जब आज से लगभग 15-17 साल पहले जब लेज़र्स का प्रयोग मेडिकल साइंस में शुरू हुआ, तो उस समय हमारी अनभिज्ञता, अज्ञानता या लैक ऑफ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द साइंस हैज़ कॉज्ड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, और उस दौरान काफ़ी प्रोसीजर्स उसके द्वारा डेवलप टेक्निक्स और साइड इफ़ेक्ट्स, इन सब को एक समावेश के रूप में अगर मैं कहूँ तो लेज़र का सीधा सीधा अर्थ है लाइट एप्टीट्यूड स्लो एमिशन ऑफ रेडिएशंस, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स को चुंबकीय फील्ड में इस तरह से गतिशील करते हैं कि वो एक पल्स के रूप में जाकर के वो टकराए। और इसी सिद्धांत पे हमारे आज के माइक्रोवेव या जितनी भी गैजेट्स मौजूद हैं, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द दीज फाइन फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें होता क्या है कि जब सरफेस के ऊपर जब लेज़र टकराती है तो उस समय वो डीप लेवल के ऊपर जाकर के एक निश्चित गहराई पे जाकर के वो ऊर्जा या एनर्जी एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और इसके द्वारा हम चाहे सरफेस को अगर हम डिस्ट्रॉय करना चाहें या डीपर लेयर्स ऑफ द सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहें, एक कंट्रोल्ड डेप्थ डैमेजिंग इफेक्ट, एक निश्चित गहराई तक हम टिश्यू को नष्ट करने की शक्ति इसमें लेजर्स में पाते हैं। अब लेज़र्स की जब हम बात करें, आपने बहुत क्लियर कट समझा दिया लेज़र्स हैं क्या, उसका मतलब क्या होता है और किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, मगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि लेज़र्स और ब्यूटी या एस्थेटिक कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, क्या ये सेफ है? इस प्रश्न को सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता, पर ये कहा जा सकता है जहाँ तक कि अगर किसी एक्सपर्ट के द्वारा और सही कारण के लिए और उसको सही मात्रा में अगर प्रयोग करें तो ये ज़रूर उपयोगी है, और कहीं भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा अकारण ज़्यादा हम अगर एनर्जी थ्रू कर दें तो वो बर्नड केसेस, हाइपरपिगमेंटेशन, केलॉइड फॉर्मेशन और बहुत तरह के बड़े साइड इफ़ेक्ट्स का भी कारण बन सकते हैं। ये तो कारण हो गए, बट एज एन एक्सपर्ट अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो लेज़र करवाना चाहता है तो आप क्या कहेंगे, इज़ इट सेफ और नॉट? सेफ इन द हैंड्स ऑफ द एक्सपर्ट्स। ओके,